हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज तक ये वाला गेम प्ले मैं करने जा रहा हूं ज़ेरोरा के साथ में, ऐसा भी ये मैं एक और कोलैब वीडियो होने वाला विद केवी केवी। अगर तुम उनको नहीं जानते तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट इस मैच में लिया ब्लेजी के एंड हम देखेंगे कि क्या मैं ये मैच जीत पाऊंगा या वो जीतेंगे। काफ़ी मज़ेदार होने वाले, तो जल्दी से लाइक कर लो वीडियो का एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो फॉर्म लेके मैं आ जाता हूँ टॉप में एंड इस मैच जीता रोल ये था कि बॉटम लेन बैन हो गया, टीम मेट का याद नहीं था। तो वेल एनीवे हम लोग चलते टॉप की तरफ, यहाँ पे वो इवॉल्व होते बन गए ब्लेजी के। तो यहाँ पे मैं अपना स्कोर डालना शुरू कर लेता हूँ, डिस्चार्ज और वोल्ट स्विच ले जा रहा हूँ मैं। ज़ेरोरा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने फिर कुछ ही टाइम पर मतलब अभी कुछ ही दिन से प्रैक्टिस शुरू किया। यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है मेरी गैंग उनकी एंड यहाँ पे मैं आउट हो जाता हूँ और वो मेरा जंगा इन्वेट करने आ जाते हैं, तो मैं उन्हें रोकने लग जाता हूँ पर फिर से आउट हो जाता हूँ। प्रो ब्लेजी टीम प्लेयर है। अब मेरे को नहीं पता था कि ब्लेजी टीम जो मानती है वाइल्ड चार्जर लेना चाहिए था मेरे को, क्योंकि मैं तो जस्ट अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ज़ेरोरा। ओके, तो मैं यहाँ पे बेस ही जाता है और मैं टॉप से अब जंगल लेने जाने का सोचता ही था कि फिर देखता वो मेल्ट कर रहे टॉप वाला, तो मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे ये टॉप वाला स्टील कर लेता मैं एकदम इजीली, कुछ दिक्कत नहीं हुई स्टील करने में। तो यहाँ पे एल चला देता मैं अपना। अब तुम देखना कि ना इंटेंसिव बैटल होगा, कैसे बचूंगा मैं और कैसे मारूंगा। ये देखा क्या मारा मैंने उनको। तो टॉप वाला आ चुका था अपने उनके बेस में एंड मैं जल्दी से फार्म ले रहा हूँ ताकि वो बेस डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। ओके, तो चलो चलते हैं। अब टॉप वाला बेस फोड़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग उस बाद वाला बेस तोड़ने जाएंगे। ओके, तो चलो चलते हैं। मैं उनका जंगल इन्वेट कर रहा हूँ और वो मेरा जंगल और बेस इन्वेट कर रहे हैं। ओके चलो चलो, एक दूसरा गोल डाल लेते हैं पहले। अब ये और भी गोल डाल लेते हैं, वो 7 का डालेंगे, मैं 6 का डालूंगा और फिर 2 का डालूंगा गोल। यहाँ पे फिर आ जाते ये इंडीडीज, इनको भी ले लेते हैं एंड ये टॉप वाला मतलब टॉप वाला आने वाला है। यहाँ पे फिर 1v1 शुरू हो जाते हैं मैं केवी गेमिंग के बीच एंड ये इमेजिन और इस बार मैं उनको हरा देता हूँ फिर से। 11 सेकेंड में स्पॉन हो जाएंगे वो वापस, इससे टॉप वाले पहले स्टील करने का सोचा मैंने। ओके, तो चलो स्टील कर लेते हैं। मुझे लगता है वो आज स्पॉन हो चुके वापस, अब देखना पड़ेगा कि क्या मैं स्टील कर पाऊंगा ये या फिर नहीं। यस, कर लिया मैंने स्टील। वो बस लेट टाइमिंग होती है उनकी, वरना वो तो स्टील कर जाते। तो यहाँ पे मैं मूव्स के कूल डाउन लग जाते हैं और यहाँ पे मेरी बैन बच जाती है। क्या ही मारते ब्लेजी के से, प्रो ब्लेजी के प्लेयर है। तो यहाँ एक बार फिर से वो मेरे से लड़ने आ जाते हैं 1v1 करने एंड ये फिर से मैं आउट हो जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ टॉप में वापस से 1v1 शुरू आ गया, तो मैं बच जाता हूँ उनके ओवर हिट से। फिर से मूव कूल डाउन और मैं गया। तो टॉप वाला मैं स्टील करने वाला था, अब तुम देखना कितनी इजी स्टील होने वाला था पर नहीं कर पाया। अब उनको मिल गया सेंटर वाला, क्योंकि मैं आउट हो गया था। मैं स्कोर करने की सोच ही रहा था कि मैंने सोचा बेस ही डिफेंड कर लेते हैं, तो मैं वापस बेस में चला जाता हूँ। और यहाँ फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो मेरा जंगल इन्वेट कर रहे हैं, तो मैं रोकने का ट्राई करता हूँ। टीज सील्ड है उनके पास, इसे नहीं रोक पाता हूँ और यहाँ मैं फिर डेड हो जाता हूँ। इस मैच में मैं बहुत ज़्यादा बार आउट हुआ। वेल कोई बात नहीं,
तो यहाँ पे मैं फिर 1v1 20 ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वापस से मैं आउट हो जाता हूँ। डल्ली मैंने बोल स्विच गलत लगा दिया और इस वजह से मैं आउट। उन्होंने 8 बार मेरे मारा और मैंने देख लिया ही तुमने कितना बार मारा। तो ये मैच के बिना केवी गेमिंग बनते हैं एंड इसी के साथ ये 1v1 बहुत बढ़िया गया। उनका स्कोर देख सकते हैं और मेरा स्टोर और उनका डैमेज भी मेरे से भी ज़्यादा है। थैंक यू फॉर